अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के पत्र को लेकर अयोध्या के संतों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। ट्रस्ट के सदस्य व निर्मोही अखाड़ा के महानिदेश दिनेंद्र दास ने कहा है कि ट्रस्ट के गठन पर सवाल उठाना छोटी मानसिकता का परिचायक है। राम की कृपा से अयोध्या में अब रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। वहीं रामलला के मुख्य आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि ट्रस्ट पर सवाल उठाना गलत है। कांग्रेस मंदिर निर्माण पर सहयोग करने की वजह सियासत को तूल दे रही है। उन्होंने कहा कि रामलला को गलत बताने वाली कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को यह हक है ही नहीं कि वह ट्रस्ट पर बयान दे। राम सेतु और रामलला को काल्पनिक बताने वाली पार्टी के नेताओं का राम पर मंदिर बोलना गलत है। ये नरसिंह राव के ट्रस्ट को कुछ पता नहीं है। तपस्वी छावनी के पूर्व पीठाधीश्वर परमहंस दास ने दिग्विजय सिंह को बताया कि मानसिक रूप से बीमार हैं। कहा दिग्विजय सिंह का बयान बेबुनियाद है और नफरत फैलाने वाला है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह मानसिक रूप से बीमार हैं, उन्हें इलाज कराना चाहिए। रामलला को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान संदेहास्पद है। अब तक कांग्रेस की ओर से रामलला को लेकर दिए गए सारे बयान हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाली है। दिग्विजय सिंह को किसी मेंटल हॉस्पिटल में इलाज की आवश्यकता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर राम मंदिर निर्माण के गठन के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में पहले से ही रामायण ट्रस्ट है, ऐसे में किसी नए की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ट्रस्ट के लिए चयनित किए गए सदस्यों की योग्यता पर भी सवाल उठाए। देखिए, जिस पार्टी के दृष्टि में भगवान रामलला काल्पनिक हैं, वो है ही नहीं है, उनका अस्तित्व ही नहीं है, उस पार्टी के किसी व्यक्ति का राम मंदिर संबंधी और राम के संबंधित बोलने का कोई अधिकार ही नहीं। राम काल्पनिक जिस पार्टी कहा कि राम सेतु काल्पनिक, राम काल्पनिक, राम का अस्तित्व ही नहीं है, तो ऐसे दिग्विजय नाथ जी, दिग्विजय सिंह जी जो बोल रहे हैं उनके बोलना बिल्कुल गलत है। जो नरसिंहा राव ने कोई भी ऐसा ट्रस्ट बनाया नहीं था, एक भी सिंधु परिषद ने न्यास बनाया था जो चल रहा था, और कौन सा ट्रस्ट नरसिंहा राव जो प्रधानमंत्री से बनवाए थे इसका कहीं पता नहीं है, न उसका कहीं नाम है। आज तक जो बना रहे बोल रहे हैं वो काल्पनिक है। रही बात जो ट्रस्ट बना है उसमें सभी प्रकार के सभी वर्गों को उसके साथ लिया गया है और सभी लोग उसको जुड़े हैं, और जो ये कह रहे हैं किसी किताब में लिखा है कि स्मारक बनाना चाहते हैं, वह सब बिल्कुल काल्पनिक और गलत है। कभी भी ऐसी बात नहीं आई है। जो भी आई है वो यही आया है कि भव्य मंदिर रामलला का बनेगा, उसी के लिए ट्रस्ट बना है, उसी के लिए इसकी बैठक हो रही है, और वह दिन अब दूर नहीं है जब भव्य मंदिर बनेगा, जिसमें दिग्विजय सिंह आकर के देखना चाहेंगे तो देखेंगे और दर्शन भी करेंगे। लेकिन और जो भी बातें अनर्गल बोली जा रही है वो उचित नहीं है, न राजनीति से प्रेरित है। वो हमें धार्मिक लोग हैं और उसमें राजनीतिक हैं जो अनुभवी हैं, जो ज्ञानी हैं, जिनको किसी प्रकार के कार्य करने की क्षमता है, जो समर्पित हैं, ऐसे ही लोग यह ट्रस्ट में है और उनके माध्यम से भव्य मंदिर बनेगा। न वहाँ कोई स्मारक बनेगा, न किसी प्रकार का कोई दूसरी चीज़ बनेगी। जो बनेगा वो भव्य मंदिर बनेगा, और मंदिर ऐसा बनेगा जो विश्व के लोग देख करके जो देखेगा वो कहेगा कि यदि कोई मंदिर है तो अयोध्या में है, भगवान रामलला का है। इसलिए जितनी बातें सब अनर्गल हैं, झूठी हैं, और वहाँ भव्य मंदिर ही बनेगा और बाकी कुछ नहीं बनेगा। नहीं तो जो राम जी का था, जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ गया कि हाँ ये राम जी का है, राम जी को मिल गया, पूरा हिंदू सब एक हो गए, तो जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ गया हमारे लिए वही मान्य है, और पूरे हिंदू उसको मानने के लिए तैयार हो चुके हैं। दिग्विजय सिंह विवाद कराने का प्रयास कर रहे हैं? वो तो राम जी के ज़माने में पक्ष विपक्ष हमेशा कोई ना कोई रहता ही है। अगर ये ना होगा तो कोर्ट में जाना ही नहीं पड़ेगा। ये आप लोग पत्रकार हैं, कोर्ट है, कचहरी है, ये सब होना भी जरूरी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो राम जी करेंगे वो ठीक करें, उसमें हम लोगों को सफलता मिलेगी। दिग्विजय सिंह नहीं, जिसका जो विचार हो देगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
सबका विचार अपना अपना विचार देना चाहिए, लेकिन जो राम जी किए हैं वो ठीक ही किए हैं, हम लोगों को उसमें सफलता मिला है। दिग्विजय सिंह का बयान बिल्कुल बेबुनियाद, बेतुका और नफरत फैलाने वाला है। यह जो ट्रस्ट गठित है यह बहुत ही सोच समझ के बहुत ही अच्छे लोगों को रखा गया है, और यह ट्रस्ट जो है जो गठन हुआ है इस पर इनका जो बयान है, मेरा मानना तो यह है कि जो कांग्रेस पार्टी भगवान राम को काल्पनिक बता रही है, और वो कांग्रेस पार्टी का कोई लीडर राम मंदिर के ट्रस्ट में अगर कोई बयान देगा तो निश्चित रूप से वह डाउटफुल रहेगा। इसलिए दिग्विजय सिंह का जब तक अभी तक जितने बयान आए हैं सारे के सारे बयान सिर्फ हिंदुओं को जो है हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का इन्होंने का प्रयास किया है, और वैसे दिग्विजय सिंह को अब चाहिए कि कहीं मेंटल हॉस्पिटल में थोड़ा सा इलाज भी ले, क्योंकि इनके बयानों को सुन करके हम लोगों को ऐसा लगता है कि या तो ज्यादा उम्र होने के कारण इस तरह का बोल रहे हैं, और या तो मानसिक स्थिति इनकी बिल्कुल खराब हो चुकी है। और ये जो ट्रस्ट का गठन है केंद्र सरकार ने जो किया है, केंद्र सरकार का हम स्वागत करते हैं, और बहुत अब वो दिन दूर नहीं है कि जब दिव्य भव्य रामलला का राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा और रामलला विराजमान होंगे। दिग्विजय सिंह बिल्कुल ये गलत कह रहे हैं, वो राम मंदिर के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जितना प्रयास किया है उतना और कोई नहीं किया, और अगर राम मंदिर का फैसला आया है तो ये सिर्फ जो है संघ के बदौलत आया है, और संघ का प्रयास ही एक ऐसा है जो राष्ट्र को बचाए हुए है, और आज संघ के ही बदौलत जो राष्ट्र विरोधी पार्टी राजनीति करने वाली कांग्रेस थी वो दरकिनार हो चुकी है, वो मरने के कगार पर है, और संघ की ही देन है कि आज वंदे मातरम जय श्री राम का नारा सब जगह लग रहा है, और जो देश विरोधी नारा लगाए जा रहे हैं उनको टाइट किया जा रहा है।